पूर्वी चंपारण जिले के पकड़ीदयाल प्रखंड क्षेत्र के राम अयोध्या सिंह हाई स्कूल बड़का गांव के विद्यालय में अवैध रूप से शिक्षकों के द्वारा बच्चों से जबरन पैसा वसूली की जा रही है, जिसको लेकर सभी विद्यार्थियों ने हल्ला हंगामा किया। जबकि एडमिशन के समय ही विद्यार्थियों से सभी फी ले लिया जाता है, उसके अलावा जांच परीक्षा के समय बच्चों से 100 रुपए से लेकर 70 रुपए तक लिए जा रहे हैं। जबकि एडमिशन के बाद किसी भी प्रकार की फीस बच्चों से वसूली नहीं करनी चाहिए। आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं कि सहायक शिक्षक हीरा लाल बच्चों से पैसा जबरन वसूल रहे हैं। कैमरा देखते ही पैसे का बैग लेकर शिक्षक कार्यालय की तरफ भागा जाता है। सहायक शिक्षक से जानकारी लिया गया कि पैसा किस चीज से वसूली हो रहा है, तो शिक्षक ने बताया कि प्रधान अध्यापक के आदेश पर पैसा वसूल किया जा रहा है। 70 रुपए ले रहे हैं। कौन चीज का पैसा ले रहे हैं? सबका कहना है कि एडमिशन के समय ही सब सरकारी शुल्क दे दिया गया, फिर कौन चीज का पैसा वसूली किया जा रहा है? प्रधानाध्यापक से बात कर, क्या बोला है प्रधानाध्यापक? प्रधानाध्यापक आदेश जो किए हैं, प्रधानाध्यापक कितना कितना बोले हैं रुपया लेने के लिए एक बच्चा से? कितना नहीं, केवल बोले कि 70 रुपया लेकर से लेना है, इसका डीबीटी कराना है। आप लोग ले रहे हैं उसी का? उसी का, हाँ, उसका चार्ज जो है वो। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राहुल है। 100 रुपए आप बच्चे से कौन चीज का शुल्क ले रहे हैं? वही डीबीटी वाला जो सर बोले हैं बताए हैं। किनके आदेश पर ले रहे हैं आप? सर बोले प्रधानाध्यापक आदेश है। क्या नाम हुआ आपका? किस पद पर है? फॉर्म भराए थे, रजिस्ट्रेशन कराए थे, उसमें 100 लोग भरे थे, उसमें लिए थे 20-20 रुपए लिए थे। 100 लोग भराए, 20-20 रुपए लिए थे। कितना के अलावा 20 रुपए लिए थे? 540 के अलावा, इसके अलावा 20 रुपए लिए थे। 590 ये तो कितना रुपया वसूली किया जा रहा है ये नहीं आता। एक बच्चे ने मुझे फ़ोन किया था और फ़ोन पे कहा था कि कुछ पैसे लिए जा रहे हैं एग्जामिनेशन फी के रूप में, तो मैंने उसी के मोबाइल से वहाँ जो शिक्षक थे उनसे बात की है, तो शिक्षक ने कहा था कि हेडमास्टर वहाँ एग्जामिनेशन फी के रूप में लेने के लिए बोले हैं। क्या राशि है इसने उसने नहीं बताया। मैंने कहा कि जो राशि आप प्राप्त करें या तो उसका रसीद दीजिए या फिर राशि लेना बंद कीजिए। तो जैसा कि आप ही ने बताया कि राशि अब नहीं ली जा रही है और बंद की गई है। अगर कोई आवेदन इस संबंध में प्राप्त होता है तो इसकी जांच कराते हैं, और जो शिक्षक इसमें संलिप्त हैं अगर अवैध होगा राशि तो उन पर कार्रवाई होगी।